हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके तमाम बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, जिस तरह के आप वीडियो का टॉपिक देख सकते हैं, इस वीडियो में हम जो है काफ़ी सारी फिंचेस की जो है बात करेंगे, जो कि फिंचेस कॉलोनी ब्रीडिंग आप तक पहुंचा सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके पास हमारे पास मौजूद हैं काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में। सबसे पहले बात करते हैं इस जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्ट, इसको ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्ट कहा जाता है और ये बल्क क्वांटिटी में मौजूद है। अगर किसी को बाय करनी हो तो फिंचेस कॉलोनी ब्रीडिंग से रابطہ कर सकता है। मैं इसकी मज़ीद क्लियर पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये ब्लैक फेस और ब्लैक ब्रेस्ट फिंच कहलाती है, ठीक है। तो व्यूअर्स, फिंचेस कॉलोनी ब्रीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे फिंचेस के हवाले से सबसे बड़ा चैनल बन चुका है अभी, जिसमें फिंचेस की जो इंफॉर्मेशन है तकरीबन वो काफ़ी ज़्यादा फिंच लवर्स के लिए एक जगह पे मौजूद है। तो व्यूअर्स जी, आप देख सकते हैं, मैं सारी फिंचेस के बारे में आपको बताऊँगा जो सेल के लिए हैं हमारे पास, और आप व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं व्यूअर्स, ये ऑरेंज फेस ऑरेंज ब्रेस्ट कहलाती है, ठीक है। ये ऑरेंज फेस, ये डबल ऑरेंज भी कहलाती है, इसको डबल ऑरेंज फिंच भी कहते हैं, ठीक है। लोकली जो बायर्स और सेलर्स जो इस नाम से बुलाते हैं, इसको डबल ऑरेंज फिंच भी कहते हैं। जी व्यूअर्स, इसके बाद इसकी मैं एक और पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ये देखें, तो ये देख सकते हैं आप, और इसकी फीमेल भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फीमेल कॉमन फिंच नहीं है, आप इसको और कॉमन फिंच में डिफरेंस देख सकते हैं, काफ़ी सारा है। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं हम ऑरेंज फेस ब्लैक ब्रेस्ट पेयर की बात करते हैं। अपनी स्क्रीन पे आप ये पेयर देख रहे हैं, तो ये सब सारे पेयर अवेलेबल हैं। जो आप इनमें से सेलेक्ट करेंगे और क्वान्टिटी बताएँगे, वो हम आप तक कार्गो भी कर देंगे, और जो है आप आके भी हमसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद व्यूअर्स, जो हमारे पास मज़ीद फिंच है वो मौजूद है, वाइट CFW कहते हैं इसको व्यूअर्स, ठीक है। वाइट CFW जो कि वाइट ब्रेस्टेड भी कहलाती है ये फिंच, ठीक है। ब्रेस्टेड में वाइट कलर की होती है, तो ये भी मौजूद है। तो जो आप लोग अगर पसंद करते हैं या आप बाय करना चाहते हैं, तो फिंचेस कॉलोनी ब्रीडिंग के व्हाट्सएप नंबर जो कि मैंने इस चैनल के अबाउट्स में लिखा हुआ है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद बात करते हैं मज़ीद फिंचेस की, तो जो कि प्रीशियस हैं और एक्सपेंसिव हैं, BBB, ये देख रहे हैं, इसको 3B कहते हैं, BBB, 3B, ब्लैक चीक ब्लैक ब्रेस्ट ब्लैक बॉडी, ये BBB कहलाती है, ठीक है व्यूअर्स। अगर कुछ लोग वो इंटरेस्टेड हों इसमें बाय करने में, वो रابطہ कर सकते हैं, मुझ खुद से रابطہ कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे वो रابطہ कर सकते हैं, जिन पर उनको फौरी फीडबैक मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं ईमो BBB की, ये ईमो कहलाती है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं BBB, और इसमें ज़रा से इसके जो इसके शेड्स होते हैं उसमें फ़र्क आता है, ठीक है। इसमें ज़रा सी लाइनिंग भी होती है मौजूद, ब्लैक के साथ लाइनिंग भी बॉडी पर मौजूद होती है, हल्की हल्की स्लाइटली। तो ये भी एक्सपेंसिव फिंचेस में आती हैं व्यूअर्स, इनमें से जो मैं आज आपको दिखाऊंगा कोई भी कॉमन फिंच नहीं होगी, और सारी म्यूटेशन फिंचेस हैं। इसके बाद व्यूअर्स, हम बात करते हैं ट्रिपल ऑरेंज की, जो कि इस म्यूटेशन की सबसे महंगी और एक्सपेंसिव फिंच है, जिसमें मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ट्रिपल ऑरेंज इतनी एक्सपेंसिव होती क्यों है, ठीक है व्यूअर्स। तो इस तरह से ये ट्रिपल ऑरेंज, ये ट्रिपल ऑरेंज और डबल ऑरेंज में फ़र्क देखें आप, ये डबल ऑरेंज फिंच है, ठीक है। ये डबल ऑरेंज है, फोन बॉडी है, और ऑरेंज चीक ऑरेंज ब्रेस्ट है ये, ठीक है। ट्रिपल ऑरेंज जो होती है वो सबसे ज़्यादा, जैसे ट्रिपल ब्लैक है ऐसी ट्रिपल ऑरेंज भी एक्सपेंसिव होती है, ट्रिपल ब्लैक भी एक्सपेंसिव होती है, पर ट्रिपल ऑरेंज सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जी व्यूअर्स, अब मज़ीद और मैं दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये वाइट हमारे पास CFW का एक और मेल मौजूद है, देखें इस तरह के आपको जितने भी मेल्स आपको फीमेल्स पेयर्स चाहिए, आप हमें अपना क्वान्टिटी बताएँ और अपनी लोकेशन बताएं, हम आप तक कार्गो भी कर सकते हैं इन पाकिस्तान, कोई भी आपका लोकेशन हो, एरिया हो, बस हम लोग आपको ये कार्गो करेंगे।
फिंचेस को, जो भी एक्सपेंसिव फिंचेस आप को रिक्वायर्ड हो, ठीक है व्यूअर्स। अब उसके बाद एक मज़ीद मैं आपको क्रस्टेड इमो को दिखाता हूँ, रुकें ये देखें, ये इसको रिंग्स भी मैंने खुद ही पहनाए हैं, ये क्रस्टेड इमो कहलाती है, इमो क्रस्टेड, ठीक है। और हल्का सा क्रस्ट भी आप देख रहे हैं इसके सर के ऊपर, बाल उठे हैं इनके, ठीक है, मैंने ब्राउन रिंग्स बनाए थे इनको। अब व्यूअर्स अब बात करते हैं, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मकदार में मौजूद है वो है कैनरी। जी व्यूअर्स, तो कैनरी हमारे पास अभी बहुत क्वांटिटी में मौजूद है, 50 पेयर से भी ज़्यादा हमारे पास कैनरी के मौजूद हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये कैनरी आप देख सकते हैं, बिल्कुल यही कैनरी जिसको पर्शियन कैनरी भी कहते हैं, पर्शियन कैनरी भी कहते हैं। और इसकी सिंगिंग बहुत प्यारी होती है और बहुत खूबसूरत इसकी आवाज़ होती है और बहुत ही प्यारी ख़ुद भी होती है। तो आप देख सकते हैं, इनका पेयर चाहिए अगर आपको तो पेयर मिल जाएगा, अगर आपको मेल चाहिए सिर्फ या फीमेल चाहिए तो वो भी इंडिविजुअल मिल जाएंगे इन कैनरीज़ के जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इन कैनरीज़ में मज़ीद कलर्स होते हैं व्यूअर्स, जैसे कि ये येलो है, इसमें ये ग्रीन भी होती है, पर्शियन कैनरी कहलाती हैं ये, ठीक है। तो इनका बैक डिफरेंट होता है, इनको फ्रिल बैक कहते हैं, फ्रिल बैक, जी व्यूअर्स, फ्रिल बैक कैनरीज भी कहते हैं। ये भी हमारे पास क्वांटिटी में मौजूद है, मैं वीडियो के एंड में आपको इसकी एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा हमारी अपनी कॉलोनी में जो मौजूद हैं। और इसमें देखें ये मिक्स है, ये ग्रीन और येलो की फ्रिल बैक पर्शियन कैनरी कहते हैं इसको व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी हमारे पास क्वांटिटी में मौजूद हैं, अगर आप 50 पेयर्स बोलेंगे 50 पेयर्स तक हम आपको कार्गो कर देंगे ये। उसके बाद बात करते हैं व्यूअर्स हमारे पास बहुत प्यारी सी स्नो वाइट के बारे में। स्नो वाइट भी आपको मिल सकती है बहुत आराम से, जस्ट हमारे व्हाट्सएप पे आप जो है वो हमसे रब्ता करें व्यूअर्स। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये जो हमारे पास फिंच है ये ऑस्ट्रेलियन फिंच है, जिसका नाम है, इसको गोल्ड फिंच कहते हैं, ऐसे गोल्ड फिश होती है ऐसे ये गोल्ड फिंच कहलाती है। तो आप इनमें से किसी की भी लाइफ साइकिल के बारे में या इनके बारे में इंफॉर्मेशन अगर चाहते हो तो मुझे आप मैसेज में कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं इनके लाइफ साइकिल और ब्रीडिंग के बारे में भी आपको वो इंफॉर्मेशन देता जाऊँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। जी व्यूअर्स, तो अब मैं ये कैनरीज जो मैं आपके बारे में जो बता रहा था मैं आपको, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये कैनरीज देखें, ये एक हमारे पास ये ट्रिल बैक पर्शियन है, ठीक है, फ़र्क देखें दोनों में आप, ठीक है, एक की प्लेन बॉडी होती है और एक पे ये जिस तरह से पर्शियन बिल्ली होती है ऐसे पर्शियन ये होते हैं इस पे फर, जो फर कहलाते हैं हमारे पास। जैसे आप लेफ़्ट वाली कैनरी को देख सकते हैं, तो आपको अगर ये बल्क क्वांटिटी में चाहिए ब्रीडिंग के लिए या अपने कॉलोनी डालने के लिए, तो हमारे पास ये सारी की सारी अवेलेबल हैं, जिसमें मेजॉरिटी हमारे पास येलो की है, ग्रीन येलो प्लेन भी है, येलो पर्शियन भी है, इस तरह ग्रीन भी है, ग्रीन प्लेन भी है, और ग्रीन जो है वो फ्रिल बैक भी मौजूद है हमारे पास। ये देखें आप, ये हल्की सी फ्रिल बैक येलो है जो मैंने कॉलोनी में पिक्चर ली है, ये देखें आप, इसके साथ दूसरी जो है वो म्यूटेशन की फीमेल्स भी बैठी हुई हैं। तो ये सिंगिंग बहुत प्यारी करती है, आप यूट्यूब पे किसी जो है वो चैनल पे आपको कहीं भी इसकी सिंगिंग की कोई वीडियो भी मिल सकती है, लेकिन मैं ख़ुद भी आपको सेंड मतलब अपलोड करूँगा। आप देख सकते हैं ये एक और पिक्चर जिसमें ये जो फ्रिल बैक ग्रीन और येलो मिक्स, ये मिक्स कलर भी होते हैं, क्रॉस ब्रीड भी इनकी होती है, और इसमें बिल्कुल वाइट कलर की भी होती है, वो भी हमारे पास मौजूद है। तो आपको अगर इनमें से बाय करनी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ इसकी, ये देखें ये हमारे पास कैनरी है, ये देखें ये फ्रिल बैक कैनरी, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ट्रिपल ऑरेंज भी मौजूद है इस कॉलोनी में हमारी, और इसमें जो है ये कैनरी देखें आप बैठी हुई है नीचे, ये देखें ये री, तो ये देखें ये उड़ गई। अब इसमें ब्लैक ब्रेस्ट, CFW, तो एक्सपेंसिव फिंचेस बहुत सारी इसमें मौजूद हैं। ये दोनों कैनरीज में आप फ़र्क देख सकते हैं, एक राइट पर है लेकिन दोनों का कलर जो दोनों जो है फ्रिल बैक है, यानी कि पर्शियन है, ठीक है। और ये देखें आप, ये येलो वाली कैनरी देखें आप, प्लेन येलो, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी हमारे पास वैरायटीज़ मौजूद हैं,
कैनरीज में वाइट और येलो का क्रॉस भी मौजूद है, तो जो बाय करना चाहे उनसे रब्ता कर सकते हैं।